आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार देर शाम ताज नगरी आगरा पहुंचे, जहां ताज नगरी आगरा पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो रेल पदाधिकारियों से मेट्रो कार को भी लेकर चर्चा की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा वासी फरवरी 2024 तक आगरा मेट्रो का सफर कर सकेंगे। जो नित नई परियोजनाएं आ रही हैं, मेट्रो उनमें से एक है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा मेट्रो का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में किया था प्रायोरिटी जो सेक्टर है 6 किलोमीटर की गाड़ियों को ट्रस्टिंग ट्रायल शुरू करने वाले हैं। ये ट्रायल कम से कम 2 महीने अभी चलेंगे और 3 स्टेशन हमारे एलिवेटेड ऑलरेडी रेडी हैं, जहां खड़े हुए अभी देख रहे हैं, पूर्णतः तैयार हैं हम लोग सेक्शन खोलने के लिए। और बाकी के जो 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसमें भी स्ट्रक्चर का काम हम लोग अगले 2 से 2.5 महीने में पूरा कर लेंगे और फिनिशिंग का काम आगे बढ़ाना है। जो इसका पुराना लक्ष्य था कि अगस्त 2024 तक ये सेक्शन खुलना है, उसको हम लोग पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने प्रीपोन करके फरवरी 2024 में इस सेक्शन को खोल सकें, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें कुछ कुछ खूबियां भी इसमें दूसरी मेट्रो से अलग होंगी, वो किस तरह की कुछ खूबियां? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो एक गाजीपुर में यूपी के राज्य मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत के दौरान एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि एनडीए का मूल सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, जबकि इंडिया का उद्देश्य सिर्फ मोदी हटाव है। साथ ही राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मोदी पूरे देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया के पास मोदी विरोध के अलावा कोई योजना नहीं है। कार्य जिससे कि हर व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा पाए, गरीबी को हटा पाए, और इंडिया का एक ही उद्देश्य है कि मोदी हटाओ। तो जहां मोदी जी पूरे देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के पास कोई योजना नहीं है सिवाय मोदी जी का विरोध करना। ये भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, इसको देख रही है और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज पूरे देश की राजनीति वोट बैंक पे आधारित नहीं है, काम पे आधारित है। आज योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके काम को देखते हुए। औरैया में मोहर्रम पर्व के अवसर पर इमाम चौक पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आकर नियाज फातिमा दिलाई और अपनी अपनी मनोकामना भी मांगी। साथ ही छोटे छोटे बच्चे ढोल ताशे बजवाकर मातमी धुन निकाली। वहीं फफूंद नगर में आलम का जुलूस बड़े ही जोशो उल्लास के साथ निकाला गया। वहीं जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह जगह जुलूस में शामिल लोगों को शरबत पिलाकर और लंगर का स्वागत किया। क्या महत्ता है इसकी? ये हमारे इमाम हसन हुसैन की याद में मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है चांद की 7 तारीख को, और लोग बाग मन्नत मानते हैं, उनकी मन्नत मनोकामना पूरी होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। अलम पे जो चांदी चढ़ती है, उस चांदी का उपयोग हमने उनके इमाम हुसैन के रोज़ा बनवाया है। उस रोज़े को इमाम चौक पर रखते हैं, उस पर फातह नियाज दुरूद होती है। झांसी में इन दिनों बांधों से लेकर नदियां तालाब सब बढ़ते जलस्तर से उफनाए हुए हैं। खासतौर से बेतवा नदी और छोटी नदियां बांधों से छोड़े जाने वाले पानी के चलते
अंदाज में बह रही हैं। बताया जा रहा है कि नदियों बांधों में आए पानी के सैलाब की परवाह किए बिना जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सकरी नाव का सहारा लेकर अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर उनको बैठाकर विद्यालय भेजने को मजबूर हैं। वहीं बढ़ाई गाँव के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि गाँव से विद्यालय जाने के लिए मात्र एक रास्ता है और उस पर भी पानी चल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के स्तर से एक सकरी ग्रामीणों को मुहैया करा दी गई है। तक जो लिंक रोड है उस रोड को बनवा दिया जाए, जो तालाब है नाला पड़ता है उस पर कोई पुल या पुलिया बनवा दिया जाए जिससे कि बच्चों को बुजुर्गों को ग्रामीणों को निकलने में सुविधा हो सके। अच्छा, आपके द्वारा प्रशासन से कहा गया था? कई बार लिखित रूप में दे चुके हैं, कई बार SDM साहब के साथ बैठक हो चुकी है, विभाग के साथ तो कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है कि यहाँ से फेज 2 से फेज 1 के लिए कोई रोड बनेगा या नहीं बनेगा। रोज 8 बजे से 8 बजे रात तक और कभी कभी को 10 बज जाते हैं। अच्छा जी, किसके लिए लगाई गई नाव? वो तो आदमी बच्चा ने काबी के लाना। अच्छा, इससे रास्ता नहीं है क्या? नहीं, कोनो रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। कौन सा गांव है? बुढ़ाई। बुढ़ाई। अच्छा, आपको कितने रुपए मिलते हैं? 5,000 महीना। 5,000 रुपये महीना। कितने बजे तक ड्यूटी वो करते हो? 8 से 8 बजे तक, कभी 10 बज जाते हैं, 10 बजे जाते। इससे कितने बच्चे, कितने लोग बनते हैं इस नाव में? इसमें नाव में बनते हैं 4 लोग, बस 5 इतने से बढ़ नहीं बनते हैं, और कभी का हल्की नाव है डूब जाती है। अच्छा, फेज 1 में स्कूल है और फेज 2 पे प्लांट है हमारा। अच्छा, तो फेज 2 से फेज 1 के लाने जाते हैं बच्चे। अच्छा, कैसे जाते हैं बच्चे? जी, किस्ती से। किस्ती से? किस्ती किसके माध्यम से भेजी गई थी? किस्ती एक बार प्रधान जी ने कहा होगा उन, जब गिर वगैरह इनसे पानी भरवा एकाएक के किस्ती भेज गए आप, या तो हम पुल बनवाइए। सो रिप्टा के लाए तो कई बार कह चुके, उन्होंने नहीं बनाया। किस्त की मांगी तो एक छोटी सी किस्ती, यही ठेकेदार रहते हैं सुन की डलवा दिए। वे कहते हम बड़ी आदमी बनते हो किस्ती में? उसमें 4-5 आदमी बनते हैं, बच्चे अगर 5-6 तक बैठा दो तो डगमग डूब जाती है 10 से। अच्छा जी, बताइए कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सरकारी। कौन सी कक्षा है? 6। अच्छा जी, बताइए आप लोग नाव से आई हो, डेली ना आते? अच्छा, रोड नहीं है आप लोगों को जाने के लिए स्कूल दूसरा? नहीं नहीं है। अच्छा, स्कूल भी आना पड़ता होगा डेली ना? डर नहीं लगता? अच्छा, गाँव की यहाँ बड़ाई। अच्छा, कितने में पढ़ती हैं आप? 2 में। 2 में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सहकारी स्कूल में। अच्छा जी, बताइए आप नाव से आई हो स्कूल पढ़ने, डेली ना आती? अच्छा, डर नहीं लगता नाव में बैठने? अच्छा, डेली ना स्कूल आना पड़ता है? औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव सहबदिया में ग्राम प्रधान की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई, जहां घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान देर रात अपने घर से गांव के बाहर स्थित तालाब के पास गए हुए थे, जहां पहले से घात लगाए हमलावरों ने धारदार हथियारों से उन पर हमला बोलकर उनकी हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची SP चारू निगम ASP दिगंबर सिंह ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। अच्छा, कितने बजे घटना हुई है? ये घटना 8:30 बजे करीब है। क्या मामला, कोई पुरानी रंजिश रही, क्या रहा? पता ही नहीं हुआ का किसने मार दिया यहाँ, किस चीज से मारा, क्या जानकारी? अब हमें क्या पता किसने मारा, हम तो घर रहते, भाग के आए हम लोग, यहाँ देखा डरा। पुलिस आ गई मौके पर? अब आई है मौके पर। घटना क्या बजे की होगी? पुलिस मौके पर आई, मिट्टी के पास जाने। समाकान। हाँ, फिर क्या हुआ, क्या कारण पता चला, क्यों गोली मारी, क्या रहा? अब ये हमें पता था, हम तो बर्तन से आए हैं। अच्छा। हाँ, आदमी सब खाना धानी लग रही है, खाना खाए पी के आराम से घर में घुसा ही है। कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह रही इनकी क्या? ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जल प्रतिनिधि थे, इनको ऐसे कैसे किसी ने गोली मार दी? गोली मारी होती, एक आदमी यहाँ टट्टी कर रहा था, उसे भाग के गया, उसने हमें बताया जाके यहाँ पे धान को मार दिया। अच्छा 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 कितने बजे? ये तो टाइम तो हमने नहीं देखा, एक लमसम मार दिया 7:30। हाँ, क्या सूचना मिली आपको? प्रधान जी के जान से मार दो गोली से, तब ये ना आए हम लोगों ने देखो तलवार से कटे थे। किसने मारा, क्या कारण रहा, कुछ ये मालूम नहीं, जब सुनी बब्बर में तब हम आए। कोई पुरानी रंजिश वगैरह चल रही थी गाँव में किसी से? ये हमें नहीं पता। अच्छा अच्छा, चुनाव टाइम में प्रधान जी के अलावा और कौन कौन खड़ा हुआ था गाँव से? 5-6 जने। हाँ, तो हार किस, दो लोगों में हार जीत हुई, सेकंड पे कौन था?
ये तो हमें साफ मालूम है। नहीं 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 बोलेंगे। एक व्यक्ति यहाँ पे शौच के लिए बैठे थे, उन्होंने सूचना दी है कि ये जो सहवादिया के प्रधान है रमाकांत दोहरे सन ऑफ लाला राम, ये अपने एक साथी के साथ यहाँ बाइक पर थे और कथित तौर पे उन्होंने अपने साथी को यहाँ से वापस भेज दिया और कुछ देर बाद उन्होंने यहाँ पे एक दो आवाज़ें सुनी, आकर देखा तो ये प्रधान की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और इनका कहना है कि एक व्यक्ति को उन्होंने यहाँ से भागते हुए देखा। परिवार मौके पर है, डेड बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। किन लोगों ने घटना घटाई है? किन से हो रही थी? वो तो हम बता दिए नाम कौन कौन कुत्तन को। क्या बजे निकले थे घर से? 5 बजे। 5 बजे फोन करवाए थे वही पुलिया पे, फिर हम चले गए घर अपने। हरदोई में पिहानी पुलिस ने शातिर चोर को मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शातिर चोर सीतापुर का निवासी है जो जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपने गिरोह के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देता था, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो चोर ने पुलिस पर गोली चला दी। इस पर पुलिस ने शातिर चोर को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक अन्य साथी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है, जिसमें कि कलतरौली में 4 छात्र चोर पकड़े गए थे, माल बरामद हुआ था, एक उसमें से भाग गया था गिरफ्तारी के समय। उसी की तलाश की जा रही थी और सूचना मिली थी शाम को कि कुदौली शहर के एरिया में उसका होना संभावित है। TN चौराहे पर चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस की जमीन देख करके भाग गए। सूचना यही थी कि इनमें से एक व्यक्ति वो है जो कि चोरी में शामिल था। सभी जगह चेकिंग की गई और उनकी जो है मुठभेड़ पिहानी पुलिस से हो गई। इंस्पेक्टर पिहानी भी चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने पुलिस पर फायर किया और भागे। ये मंसूरपुर जगह है पिहानी में, वहाँ पेट्रोल पम्प के पास पुलिस से आमना सामना हुआ, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।